भाई गुड इवनिंग। पहले तो मेरे प्यारे व्यूअर्स को, और एक क्रिकेट व्लॉग होने वाला है तो मुझे व्यूज चाहिए भाई। मैं व्यूज का भूखा हूँ, तो इसलिए मेन मुद्दा ये भाई व्यूज चाहिए, तो बैठे रहना। अभी मैं जा रहा हूँ मुल्लापुर स्टेडियम में, ठीक है। शाम का टाइम हो रहा है और मैंने सुना है कि वहाँ पे कुछ काफ़ी अच्छी तैयारियाँ हो चुकी है, तो मैं ट्राई करूँगा आपको दिखाने की ताकि मेरे व्यूज आए और मैं बहुत अच्छे पैसे कमा सकूँ। तो चलो फिर। ये हम निकल गए अपने पंचकुला शहर से, अब चंडीगढ़ में एंटर करने वाले हैं। और हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भैया लोग दिख रहे हैं, अपने घर को वापसी को जा रहे हैं। ये चंडीगढ़ आ गया और इस टाइम 7:15 बज रहे हैं। पूरी इतनी भीड़ नहीं जितनी होनी चाहिए, आज वीकेंड है, लेकिन रात को आते टाइम हो जाएगी भीड़ भाई। एक तो ना जो चंडीगढ़ के लोग हैं ना, धीरे धीरे गाड़ी चलाते हैं, जैसे इनकी बाप की बारात जा रही हो, धीरे धीरे। ये तो कैमरों का डर है, कुछ नहीं होता, चलान आ भी गया तो आ गया, 100 रुपये में जाके सब सही हो जाता है। धीरे 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 चलाते रहेंगे। अभी तो स्टेडियम पहुंचे भी नहीं और गाड़ी का तेल ही मुक गया, अब गाड़ी में तेल भराने के लिए पैसे भी नहीं है। तो इस वीडियो में इतने व्यूज लाओ कि मैं गाड़ी में तेल भी भरा सकूँ और अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकूँ। भाई देख लो, अब 23 को मैच है और ये हाल है रोड का भी। बताओ विराट कोहली की बस फंस फंस गई, फिर क्या होगा। देखो शानदार स्टेडियम यार, भाई अलग है यार, यहाँ की दो दो यार भाई। ए लो भाई टाइल्स, अभी यहाँ बिछे की नहीं बिछी है, मतलब थोड़ी कम बिछी है। ए लो भाई टाइल्स, अभी यहाँ बिछे की नहीं बिछी है, मतलब थोड़ी कम बिछी है। अभी हम एंट्री का जुगाड़ ढूंढ रहे हैं, सामने तो भाई पुलिस वाले खड़े हैं, वो तो फड़ लेंगे अपने को। ये देखो क्या व्यू है इधर से, यहाँ से ढूंढते। ये लो भाई एंट्री होगी फिर से हमारी, चोरों की तरह घुसे तारों के नीचे से। और ये पूरा उबड़ खाबड़ हुआ पड़ा है मैच भाई, कैसे होगा समझ ही नहीं आ रही। भाई कितनी चेहरे वेस्ट करी हुए यार, मेरे घर पहुँचा दो ये बताओ, मैं ट्यूशन सेंटर खोल लूँगा इन चेहरों को। टोटल वेस्टेज भाई टोटल। ये लो गरीबो, तुम इस मशीन के पहले खड़े होंगे एंट्री लेने के लिए, और तुम्हारा भाई इस मशीन के पार खड़ा। तुम बात है कि हम साइड से आ गए। चलो भाई यहाँ से बैट्समैन जाएंगे, यहाँ से भाई तुम्हारा विराट कोहली जाएगा बैटिंग करने। और सीधा ग्राउंड में तो भाई यही फील्ड आपका कैरियर डिसाइड करेगी। ये देखो अभी ड्यू है थोड़ा ग्राउंड में ना, थोड़ा ड्यू है अभी, लिटिल बिट ऑफ ड्यू। और ब्यूटीफुल, ये देखो खासा ड्यू है अभी तो, कितना ड्यू है यार। मतलब सेकंड सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करनी बहुत आसान होएगी, फील्डिंग से फील्डिंग में बहुत दिक्कत आएगी और बॉलर को तो भाई बॉल ही नहीं पकड़ी जाएगी। तो जो भी यहाँ पे टीम पहले टॉस जीतेगी वो बैटिंग ही करेगी, नहीं सॉरी वो फील्डिंग करेगी, क्योंकि चेज़ आसान है इधर। और हमारे कॉरपोरेट बॉक्स, यहाँ पर बड़े बड़े अमीर के चौधे आएंगे और हमारी प्लेयर्स की धर्म पत्नियाँ भी आ सकती है इधर बैठने, अनुष्का भाभी भी यहीं कहीं बैठी होंगी। और दोनों प्लेयर्स के डग आउट्स और स्टेडियम भाई यहीं से ही। आकाश चोपड़ा अपनी गंदी से कमेंट्री देगा और सुंदर सुंदर लड़कियां यहीं से ही बोलेगी माइक पकड़ के, तो कैसे है आप, मतलब कैसा आपने प्ले किया, क्या कहना चाहते हो, क्या वो घंटा वो बकचोदी सारी वो यहीं से ही होगी। तो यहाँ पे होएगा जैसे मैं प्लेयर हूँ, वैसे मैं हूँ नहीं, मैं प्लेयर हूँ, मैं ऐसे खड़ा होगा, ये आया इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैच, घंटा यहीं से ही होगा सब कुछ। भाई सोचो यार जब भी चौका छक्का आएगा ना, लाखों की हजारों की तादाद में लोग चिल्लाएंगे, कितना मजा आएगा यार। वाओ यार मेरा मन तो है बीच में जाने का, बट यार रिस्क बहुत है, क्योंकि अगर किसी ने बाई चांस पकड़ लिया तो यार फाइन फूने लगा दे। पहली यूट्यूब इतने पैसे अभी नहीं दे रहा मुझे, तो मैं इतना फाइन मतलब डील नहीं कर पाऊंगा, इसलिए सेफ साइड पे रहते हैं, औकात में रहते हैं और अब बाकी जगह देखते हैं। ये भाई है अपना सबसे मेजर बॉक्स, कमेंटेटर सारे मतलब मेजर मेजर बंदे ही बैठेंगे।
ये होएगी भाई 30,000 की टिकट कम से कम। यहाँ पे आपके लिए सब खाने पीने का अरेंजमेंट होगा, सब कुछ A to Z। कितना प्यारा बना हुआ है यहाँ से, आप मैच भी देख सकते हो बैठ के आराम से ना, सोफे पे बैठो या किस पे बैठो, किस पे बैठ के भी मैच देख लो भाई, मज़े ही मज़े हैं। सामने सीधा भाई, यहाँ से देखेगा आपको एकदम सीधा मैच, एकदम सीधा यहाँ से चौका छक्का। ये तो भाई बहुत महंगी टिकट है अपनी, बहुत ज़्यादा महंगी। भाई मैच के टाइम नो फूड आइटम एंड वाटर्स फ्रॉम दिस पॉइंट, लेकिन हम तो जा रहे हैं। ब्यूटीफुल स्टेडियम, भाई हमने तो स्टेडियम को ना पार्क बना दिया, जब भी मन करो आ जाओ। पर यहाँ पे जो वाइब है ना यार, कैंट वाइब है एकदम कैंट भाई। मुझे तो कभी कभी लगता है ये मेरे बाप का स्टेडियम है, कभी भी मन मन आगे आ गए। ओह कहाँ बैठे भाई, भाई मैं पिछले दो हफ्ते पहले आया था, लेकिन सेम ही लग रहा है। बाकी थोड़ी थोड़ी मेजर चेंजेस है, माइनर चेंजेस, जैसे वो पिच पे कवर आ गया है, वो डगआउट्स बन गया है, वो रहे देखो एक दो, और एक और चेंज है वहाँ पे, चेयर लीडर्स डांस करेंगे वो भी आ गया। तो भाई एक और चेंज हुआ है यहाँ से, कितना प्यारा व्यू है यार, एक और व्यू हुआ है यहाँ पे ना, वो लगा दिया है ये बैरीगेट से, पहले नहीं थे, पहले मैं आया था ना सिद्धू के साथ तो मैं कहीं भी फिर सकता था, मतलब पूरे उसमें गेट में। अब ये लेवल एक है, मतलब एक ब्लॉक ये होगा, दूसरा ब्लॉक ये है, और तीसरा चौथा पाँचवा ऐसे बहुत है। ये बहुत महंगी टिकट होने वाली यार भाई, यहाँ से तो बहुत प्यारा व्यू आने वाला है, बहुत ज़्यादा प्यारा। अभी लाइट्स ऑन थी यार, पर किस्मत में था ही नहीं अब हमारे लाइट्स पे देखना, तो अभी लाइट्स बंद है, लेकिन यार बहुत मज़ा आने वाला है आपको 23 तारीख को। अभी हफ्ता रह गया, लेकिन मुझे लग सा नहीं रहा अभी कि मैच होने के लायक है। बाकी देखो बाउंड्री रोप्स भी लगा दी यार, उस टाइम बाउंड्री रोप्स भी नहीं थी। जैसा यार, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो चेयर तो साफ़ करा दो यार, पहला मैच है यार, हफ्ता रह गया और चेयर्स भी साफ़ नहीं है। बताओ मैं अपनी जैकेट कहाँ रखूँ, कहाँ बैठूँ अब मैं? आप एक यूट्यूबर को गंदी चेयर से बिठा रहे हो, शर्म आएगी आपको। चंडीगढ़ दे नज़ारे हैं लुटे ऊपर के नहीं, यहाँ तो भाई कोई लड़का लड़की आ जाओ और अपना काम कुम करके आराम से चले जाओ, कोई कुछ नहीं कह सकता। श्री कैसा लग रहा है आज? बढ़िया लग रहा है श्री, आज मेरे साथ आया था तो इसको भी लाऊंगा, इसको साथ में। और भाई अगर किसी को हनीमून पे आना ना 2-3 घंटे, तो यहाँ आके बैठ जाओ बस, सिर्फ कुछ दिन के लिए आए, फिर तो बंद हो जाएगा, ये सारी एंट्रियाँ बंद हो जाएंगी। हम देखो इस चौरस्ते से आए हैं, ये वाला चौरस्ता है ना, यहाँ से घुस गए हम, मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि कैमरा देख के तो वैसे ही कोई घुसने देगा अपने को, तो चुपके से आए हम तारों के बीच में से। तो ताज़ा अपडेट तो यही है कि थोड़ा थोड़ा स्टेडियम तो तैयार है, लेकिन मैच लायक अभी भी नहीं है इसकी हालत। बाकी पता नहीं किस भरोसे चलेगा मैच। तो यार ये स्टेडियम ही डिसाइड करते हैं, ये पिच, ये ग्राउंड डिसाइड करते हैं कि आप कितना ऊपर जाओगे लाइफ में, या कितनी आपको सक्सेस मिलेगी, कितना आपका नाम होगा, कितना पैसा होगा। तो हमेशा अपने प्लेइंग एरिया की रिस्पेक्ट करो। अगर मुझे कोई अच्छा सा प्लेयर देख रहा है जो भी स्ट्रगल कर रहा है और इंडिया के लिए खेलना चाहता है, रियाज गांधी कहता है। तो भाई यही फील्ड है भाई जो आपको स्टार बनाएगी, तो इसके हमेशा रिस्पेक्ट करें। और जो प्लेयर्स थूकते हैं ना फील्ड पे, मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वही फील्ड उनका घर चलाते हैं और उसी पे थूकते हैं। अब थूक आ रहा तो क्या करें बता। BCCI को ना यहाँ पे वो रखने चाहिए डस्टबिन, जब भी थूक आए थूक दो, पर मैदान पे ना थूको यार, बंदे डाइव भी मारते हैं। ये अभी भी कुछ काम चल रहा है इनका, लेबर लोग चढ़े हुए हैं छतों पे, ये पेंट कर रहे हैं शायद, लेकिन हफ्ते भर का टाइम है इनके पास। इनको भी सल्यूट है, BCCI इनके टाइम पे पैसे पहुंचवा देना यार। कितना लंबा छत कॉरिडोर है यार, पूरे वॉशरूम देखना है बंद पड़ा है,
बताओ किसी को वॉशरूम आया वो कैसे घुसेगा? रैम स्टेयर्स, वॉशरूम जो बंद पड़ा है, ये सारी रैम्प, ये मतलब सारी ये वॉशरूम वॉशरूम लगा रखा है, बंद पड़े हुए वॉशरूम। मतलब आग लग जाए ना, जैसे स्टेडियम में आग लग गई तो यहाँ से भाग जाना, जल्दी जल्दी भाग जाना और रुकना मत। ये रैंप है भाई, जो फिटनेस के चौदे है ना वो यहाँ से आना। ये तो मुझे वो लग रहा है टाइटैनिक का जहाज, देख स्ट्रक्चर वैसी है इसका, टाइटैनिक का जहाज है ये। और सिंटेक्स की टंकियाँ, कॉपीराइट ना आ जाए यार, मैं कंपनी का नाम यूज़ कर रहा हूँ। ये अभी भी छेद खाली है, ये क्या है? CB2 मतलब वही टीवी पे अंदर। ओ भाई ये होगा कम से कम 10,000 की टिकट। ये देखो टीवी भी है इधर, यहाँ से अमीर लोग मैच देखेंगे, अमीर के चौधे यहाँ बैठ के स्प्रिंग रोल खाएंगे और दाल मखनी पे लेंगे और मैच देखेंगे यहाँ से। ये CB3 है, इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है? CB2 सी से कोई बॉक्स है इतना पता मुझे भाई। मैच चल रहा है। जय शाह जी, आपके वर्कर्स लोग ना टीवी देख रहे हैं। मैं इतनी चुपके से बता रहा हूँ, मुझे पीट दे, काम छोड़ के टीवी देख रहे हैं, CB बॉक्स में है। फेल दो भाई, CB 10 बॉक्स है CB, पर CB का मतलब नहीं समझ आया मुझे। CB कॉमन बॉक्स या कैबिनेट बॉक्स? भैया कितना काम रह गया अभी इधर? हाँ कितना काम रह गया? भाई रह रहा है सबको, और सब हो गया, पेंट का रह रहा है थोड़ा बहुत। परसों कब है मैच? 23 को, 23 को गेट 1 20 तक फाइनल हो जाएगा सारा। अच्छा सारा तो आपको पैसे BCCI देता है, कोई और देता है? अच्छा ठेकेदार देता होगा ना, हम तो कंपनी की तरफ से हैं। अच्छा तो भाई अब जितना हो सका मैंने कंटेंट दिखा दिया आपको, बाकी अब प्लेयर के ड्रेसिंग रूम बचे थे और मतलब उनके जिम बचे थे, बाकी सब तो कवर हो ही गया। और वहाँ पे यार काफ़ी बंदे खड़े हैं तो अब रिस्क नहीं लेना, ज़्यादा लालच भी नहीं करना, इतना कंटेंट बहुत है। बाकी प्लेयर क्या यार उसमें खाली पड़े होंगे, क्या दिखाऊंगा आपको ड्रेसिंग रूम? क्यों श्री है ना, खाली पड़े होंगे और जितना हो सका मैंने दिखा ही दिया। बाकी जिम भी था, अगर बाई चांस कोई पकड़ लेता ना यार रिस्क हो सकता था, तो इतने फालतू पंगे नहीं लेने, वीडियो लिमिट में ही रखनी चाहिए, अपने घर वालों के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए कि वो बोले कि भाई फाइन निकालो आप ऐसे कैसे अंदर घुस गए, तो ये सब नहीं, सब कुछ लिमिट में रखेंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो और आपको भी देखने में मज़ा आए। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी बहुत अच्छा टूर मिल गया रहा तो हमने मतलब 30,000 से लेके 1,000 की टिकटों में भी ट्रैवल कर लिया, आज ट्रैवल कह रहा हूँ, देख लिया कैसा सीन था। तो भगवान की दया से सब अच्छा हो गया। अब इस व्लॉग को भाई प्यार दे देना, आप ही के लिए मेहनत करिए मैंने, वरना मैं अपनी आंखों से भी देख सकता था सब कुछ। तो चलो कोशिश करना इस व्लॉग पे 1 मिलियन व्यूज़ आ जाए। 1 मिलियन भाई, जिस दिन 1 मिलियन व्यूज़ आ गए ना हार्ट अटैक से मेरी मौत हो जाएगी। चलो अब चलते हैं घर, गुड बाय, स्वीट ड्रीम्स, एंड मिलते हैं मैच के दिन 23 को। बाय।